क्लास एलकेजी। आज हम स्पेलिंग सीखेंगे ऑरेंज की, और ये रहा ऑरेंज। ऑरेंज एक कलर का नेम भी है और ऑरेंज एक फ्रूट भी है। तो स्पेलिंग हम सीखेंगे आज ऑरेंज की। तो लेट स्टार्ट द राइटिंग इन स्कूल नोटबुक। O R A N G E, ऑरेंज। तो स्टार्ट करते हैं अब हम O R A N G E, ऑरेंज। 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 स्पेलिंग लिखते वक्त बोल बोल के लिखेंगे ताकि हमें स्पेलिंग याद हो सके। O R A N G E, ऑरेंज। फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। सेकंड रो में आ जाते हैं अब हम। सेकंड रो में हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं ऑरेंज। O R A N G E, ऑरेंज। O R A N G E, ऑरेंज। बहुत ही इजी स्पेलिंग है, जल्दी से याद हो जाती है। O R A N G E, ऑरेंज। O R A N G E, ऑरेंज। यहाँ हमने अपनी दोनों रो कॉपी के इस पेज में लिख लिया ऑरेंज की स्पेलिंग। तो आज हम एक स्पेलिंग और लर्न कर लेते हैं, वो बहुत इजी स्पेलिंग है। तो टर्न द पेज, नेक्स्ट स्पेलिंग है यहाँ पे रेड की। यहाँ लिखा है मैंने आर ई डी रेड। आर ई डी रेड, रेड मतलब लाल, रेड कलर का। देखें यहाँ पे टमाटर भी है, तो रेड कलर का एप्पल भी होता है। यहाँ पे देखिए रेड कलर का एप्पल है ना। तो आज हम स्पेलिंग लर्न कर रहे हैं रेड की, और रेड की स्पेलिंग लिखना स्टार्ट करते हैं। आर ई डी रेड, रेड मीन्स लाल। आर ई डी रेड, आर ई डी रेड, आर ई डी रेड, रेड मतलब लाल। आर ई डी रेड, रेड मतलब लाल। आर ई डी रेड, रेड मतलब लाल। तो इसी तरह से बोलते बोलते लिखेंगे और पूरी स्पेलिंग हम अपनी इस पेज में कॉपी में लिख लेंगे। तो फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट है, सेकंड रो में आ जाते हैं। और हम यहाँ लिख रहे हैं स्पेलिंग रेड की, आर ई डी रेड, रेड। हम लिखेंगे आर ई डी रेड, रेड मतलब लाल। आर ई डी रेड, रेड मतलब लाल। इसी तरह से बोलते बोलते अपनी सेकंड रो भी हम कंप्लीट करेंगे। आर ई डी रेड, रेड मतलब लाल। आर ई डी रेड, आर ई डी रेड, रेड मतलब लाल। आर ई डी रेड, और रेड का मतलब होता है लाल। तो हमारी दोनों रो हमने कंप्लीट कर ली। अगर आपके पास स्पेस है तो आप सेंटर में भी लिख सकते हो, एक लाइन और बना सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने टू टाइम्स लिखा था, आप यहाँ पे एक सेंटर में भी लिख सकते हो। तो इसी तरह से आर ई डी रेड की स्पेलिंग, और आज हमने ऑरेंज की ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज भी याद किया और रेड भी। रेड की स्पेलिंग तो कितनी ईजी है, जल्दी से याद हो जाएगी। तो चलिए फिर कल नए वीडियो में आपको नई चीज़ बताएंगे। बाय बच्चों।